रही है, एकदम बार बार पूछ रही है कि मम्मी पापा आप कब फोन आइएगा। इतना गोरखपुरिया मोदी के हस्बैंड हो गए, गोरखपुरिया मोदी की हो गया, मतलब इसी मतलब शर्म नहीं आती है। लेकिन दुकान की लड़की जाइए वहाँ सीता ने सब लोग पीला, तुम लोगों के घर को बताया जलो बन बहुत अच्छा बाबा सब पता चल जी के हर वाले का है। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव, हम गोरखपुरिया मोदी को छुके गोर लागत नहीं, और आप लोग तो जानते ही बानी कि ये समय यूट्यूब पर पूरा काज चलता है, और सबसे पहले हम कहल जाता ही जितना जानी आपस में गाली गलौज करता ना, सबसे पहले ये आप लोग छोड़ दे, बहुत गलत चीज बा, और गलती के कर बा के कर नहीं बा हमके नहीं पता बा, लेकिन हम कहते नहीं केहू के गलती नहीं बा, हम कहते नहीं सबकर गलती बा। आप लोग बस सोच समझ के आपस में विवाद के लिए कोनो फायदा नहीं हुई, और आप लोग हमके परेशानी में मत डाली, हम वैसे ही परेशान बनी, वैसे ही डिस्टर्ब बाटी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बाटी। हमारे घरे एक हफ्ता के दिन बस शादी शादी बाटे हमारे घरे, हमारे देवर के साथ रउआ लोग के ये भी ठेके लागत हुई, तो रउआ लोग के हम प्रूफ दे देता नहीं, प्रूफ ये बा कि जैया हमारे महादेव जी बिलाइल रहना वो दिन हम बतावता नहीं कि दिन भर उनके हम काहे नहीं खोजनी। खलीला बाद हमारे बाबू जी पूरा फैमिली गए लल कपड़ा के शॉपिंग करे, और सर तुम भी गई थी ना, और हम बाबू जी के फोन कह नहीं कि रिया के पापा कहा बैठे, तो बाबू जी कहना कि हमके नहीं पता बता, हमके लगल हमसे नाराज उराज बैठे, और बाबू जी कहा नहीं बतावा नहीं बतौल हुई है बाबू जी, आज शाम तक आ जाइए हम सिर्फ नहीं रोन के साथ चल गए हुई है शॉपिंग पे, हमके का पता रहा कि इधर दूसरा काम हो जाए। लेकिन अभी आप लोग बहुत जने कमेंट कर दनी कि भाभी जी आप किसी सोखा से जचवाइए ओझा से जचवाइए, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग सब सही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो ये कानूनी कार्रवाई होती है ये ओझा सोखा भूत बिहार में विश्वास नहीं रखती है, तो हम आप लोगों के कहने पर FIR भी करवा दिए हैं, और वहाँ भी जांच हो रहा है, और यहाँ पे हम जो सूखा ओझा वाला मैटर है वो भी करा दिए हैं, और वहाँ से जहाँ भी हम दिखा रहे हैं सिर्फ एक ही चीज बताया जा रहा है कि वो कहीं एक जगह ठौरिक नहीं है, वो एकदम चलते रह जा रहे हैं, एकदम चलते रह रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है, यानी कि उनका जो माइंड है जैसे होता है ना बेसहर जला आदमी, जैसे बुजुर्ग आदमी कहे ना कि करे बेसहर गई बड़े का दिशा भरम, उनको जैसे कि जो भी देख रहा है, कम से कम 8 से 10 सोखा लोग से हम भी दिखाए हैं, और हमारे सब्सक्राइबर भी लोग दिखाए हैं, जो कि अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जितने लोग ये वीडियो मतलब हमको फोन करके बताए ये चीजें, आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि बात सही है, नहीं तो लोग ये भी झूठ मानेंगे, क्योंकि हर एक चीज झूठा किया जा रहा है, यहाँ पे किसी की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ये देखिए आप लोग शादी का कार्ड है, जो कि मेरे छोटे देवर का शादी है, और मैं बताना चाहती हूँ आपको दिनांक 27 नवम्बर 2022 दिन रविवार हल्दी है हाँ हल्दी है, और 28 तारीख को दिन सोमवार विवाह है, और मंगलवार को विदाई है, यानी कि 27, 28, 29 तीन दिन हल्दी और ये क्या बोलते हैं शादी, और आप लोग जानते हैं कि गांव में 5-6 दिन पहले ही से चूल पड़ेगा, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि चूल पड़े वाला दिन या तो कल या तो आज या तो कल परसों जब पे मतलब चूल पड़े वाला दिन नगीच आ गए, तो चूल पड़े वाला बाम के घरे, और हमनी के घरे सोहर मंगल के जगह ही हमनी के घरे रोना पीटना पड़ल बा, अगर अगर खुदा न खास्ता अगर सोखा के बात ही सही हो गया, अगर कहीं खुदा ना हमके ना हम सब भगवान माता रानी से कहते बात बिल्कुल सच ना होकर कहे कि ये बात अगर सच हो जाए ना तो बहुत बड़ी दुनिया बा, और ये खाली चलते बना चलते बना चलते बना तो बहुत दूर निकल रही है, और का इतना छोटा हमार यूट्यूब फैमिली बाकी हमने उनके नहीं देख पावता, कहाँ चला था उनके क्यों नहीं देख पावता, ये लिए ये बात ही हम बिलीव कम करते हैं, कहे से कहीं पब्लिक में जैसे जाइए वो पकड़ा जाइए, अगर वो पकड़ा जाइए तो तुरंत हमके सूचना मिल जाए, और बस देखिए आप लोग हमारे घर ये शादी बा, हमारे देवर के शादी बा, और अब हमारे देवर भी ऊपर भी मतलब मायूस हो गई बा, जब भी देखा था कार्ड घर में क्यों न तो कार्ड बांटा था न तो घर में कोनो तैयारी बा, कपड़ा खरीद के आये बा न कहीं सियाए गई बा न पुराए गई बा, वैसे ही रखल बा न केहू कुछ नहीं करा था, वो बेचारा एकदम मायूस हो गया, थोड़ा सा माइंड से आप लोग कुछ को हम नहीं लगी हम क्या मरिए, थोड़ा सा अजीब लेके आये घर में क्यों दिमाग थोड़ा कम है, उस लड़का का गुस्सा है, तो अगर वीडियो में कुछ कह देंगे तो हमको यही पे आके लगेगा मारने, आप लोग समझ सकते हैं, तो और हाँ आप लोग से बस यही कहना चाहते हैं कि छन छन जो है वो
एकदम बार बार पूछ रही है कि मम्मी पापा आप कब फोन आइएगा, मम्मी पापा आप कब फोन आइएगा। सब तो कुछ भुला जा रही, लेकिन छन छन कहती है मम्मी पापा कब फोन आइएगा। और आप लोग से हम बता दें कि आज दूसरा दिन है और पापा से हम भेंट ना गई नहीं, और आज तीसरा दिन है अपने सास से भेंट ना गई नहीं। कहाँ से हम फैशन आए कपे हम जवाब ना दे पाए, सब क्यों फोन करता। बहुत बहुत आप लोगों के हम बोर लागत नहीं, ये कहता नहीं कि आप लोग फालतू फोन मत करें, फालतू फोन करने से कोनो मत करना वाला। और दोस्तों तो देखी तो और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है, क्या मुझसे भी बोली है कि नहीं है कि तो ये जैसे बोल रही हूँ कि आप ये सब फोटो मत लगाइए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है यार कि देखिए हम आप लोग हमारे भी वीडियो में जाकर बोल रहे थे कि भाभी से मिलना है, भाभी से मिलने। दोस्तों हम चले आए हैं, दो दिन हो गया, हम पूरा रात भर सोने भी देख सकते हैं, बंडी में मेरा क्या हाल हुआ है, तुरंत वहां से आए। और दोस्तों बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि अपने वीडियो के मकसद से आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करिए, आप लोग समझ रहे हैं कि जिसके घर में परेशानी होता है बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। भाभी अभी इतना परेशान है कि अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रही है, ऊपर से आ जा रहे लोग बोले भाभी एक मिनट वीडियो बना दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग सही हम ज्यादा देर तक अपन आपा नहीं खो पाए, ऑन कर कैमरा क्यों के गरिया दे क्यों के माई बहन एक कह दे ना, तो उन लोग बढ़िया समझ में आ जाए। हमारे घर में मातम पसरल बा, उनके मजाक समझत आ रहा, गुला के एकदम एकदम तमाशा बना के रख देले बना, कुल एकदम बिनैया होते जैसे लगत त बिनैया का रतियो रतियो के हिज गुंडेरा जमा लेते सब। मत आइए हमारे घर, हम समझ सकते हैं। दोस्तों बस यही कहना चाहेंगे कि भैया को आप लोग देखिए कहाँ है, और भैया अगर वीडियो देखते हो तो आप घर चले जाइए, ठीक है, क्योंकि आप भी ना पूरा घर एकदम सुना सुना है। और नहीं देखते वो वीडियो है। नहीं देख रहे हैं, अगर वो वीडियो देखते तो तुमको तुमको पता है ना। दोस्तों बस आप लोग से यही गुजारिश करेंगे जितने भी यूट्यूब फैमिली है कि आप लोग देखिए बहुत बड़ी हम लोग का यूट्यूब फैमिली है, और आप लोग जुड़े हो ना सबसे बड़े आप लोग का वही है। आप लोग अगर किधर भी चाहेंगे तो उनको थोड़ा बहुत खोजेंगे तो मिल जाएंगे तुरंत। आप लोग भाभी के नंबर पे फोन कीजिए, नंबर आपको चैनल पे मिल ही जाएगा। और दोस्तों समझ सकते हैं जिसके घर में ब्याह शादी होता है उसके घर पे कितनी खुशी आती है यार कि नहीं चलो यार लोग कहना नहीं चाहिए। आज तक किसी को ऑन कैमरा हम गाली नहीं दिए थे, लेकिन अब घर जाएंगे कह रही है लोग की नाटक कर रही है। अब कुतिया हरामजादी मतलब आ जा रहे हैं सब की उन लोग को नाटक लग रहा है, सबसे बड़ा ये चीज होती है। आने की बात नहीं है कमेंट में आकर ये नहीं सोच रहे हो पढ़ी लिखी बच्ची हमारी है, पढ़ी लिखी है सोचो, तुम्हारे बच्चे नहीं है। तुम लोग मियाँ बीबी में कभी झगड़ा नहीं होता, तुम्हारे घर झगड़ा नहीं होता है, तुम्हारे मियाँ बीबी में कभी झगड़ा नहीं होता, तुम लोग कभी इधर उधर नहीं जाते हो। देखेंगे कौन यूट्यूब पर क्या क्या कर रहा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सच में कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे आप लोग को सपोर्ट करना था अच्छे तरीके से, लिखिए ना कोई लिख रहा गोरखपुरिया भाजी के हस्बैंड ये हो गए, गोरखपुरिया भाजी की हो गया, मतलब इसी मतलब शर्म नहीं आती है लिखना। पहले जैसे अभी हम रोज वीडियो बनाते ना तभी नाम लेके बनाते कि कौन कहाँ है, जानते क्या बोल रही है। हम कुछ कहना नहीं चाहते, किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, आज तक किसी को भैया बाबू बहनी के सिवा कुछ उल्टा शब्द बोले भी नहीं है। लेकिन हमारे कमेंट में आके जो लोग उल्टा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, इतना कमजोर हो आप लोग। आप लोग बताओ, आप लोग कमजोर हो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो।